जिला प्रशासन उप प्रादेशिक रोजगार एवं आईआईएस यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आज जयपुर में कौशल रोजगार एवं उद्यमिता सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर उद्यमियों द्वारा स्टॉल लगाई गई, जिनमें प्रदेश भर से आए करीब 2000 युवाओं ने रोजगार मेले में भाग लिया। इस मौके पर आरएसएलडीसी के डायरेक्टर निक्यान गोहेन, आईपीएस तेजस्वी गौतम, आईआईएस विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक गुप्ता उपस्थित थे। आईआईएस यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ लगभग पार्टिसिपेंट आए हैं 2000 से भी ज़्यादा। अभी इंटरव्यू हमारे यहाँ चल रहे हैं। 45 से ज़्यादा रेपुटेड कंपनीज ने यहाँ भाग लिया है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग, जिन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया है, उनको यहाँ आज ही ऑफर लेटर प्लेसमेंट मिल जाए। स्किल डेवलपमेंट के, कौशल विकास के जो भी योजनाएँ हैं वो सब इसी चीज़ के लिए हैं कि हम अपनी बेटियों को सक्षम बनाएँ, उनको आगे पढ़ाएँ, उनको स्किल्स दें, जिसकी तरीके से वो हर फील्ड में अपने आप का, अपना और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। रोज़गार मेला लगाया गया है जिसमें 50 प्रतिष्ठान हैं, कंपनियां आई हैं, वो रिक्रूटमेंट करेंगी, बच्चों को बताएंगी किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या रोज़गार के अवसर अवेलेबल हैं। ये बेसिकली हमारी संस्था तो महिलाओं के लिए ही है और महिलाएं अब पुरुषों से कहीं कम नहीं हैं, महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे जा रही हैं।